थाने के पास दुकानदार से लूट का प्रयास, दुकानदार को काउंटर के ऊपर से घसीटा, शोर शराबा सुनकर पड़ोसी दुकानदार ने पकड़ा, धुनाई कर पुलिस के हवाले किया। दो बदमाशों ने दिन दहाड़े हार्डवेयर की दुकान में घुसकर दुकानदार से पैसे लूट लिए। बदमाश दुकान में सामान खरीदने के बहाने घुसे थे, पहले सामान लिया और फिर दुकानदार को बातों में उलझाकर झपटा मार पैसे छीनकर भाग गए। लेकिन दुकानदार ने तुरंत पीछा कर शोर शराबा किया तो अन्य दुकानदारों ने दोनों को दबोच लिया। उसके बाद दोनों की जमकर धुलाई कर दी। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाश झपट्टा मारकर दुकानदार से लूट करके भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बदमाश दुकानदार को काउंटर के ऊपर से घसीटते दिख रहे हैं। घटना शुक्रवार दोपहर 12 बजे के करीब सूरजगढ़ थाने के पास की है। थाना और दुकान की एक ही दीवार है। पिलानी थाना क्षेत्र के काजड़ा निवासी पीड़ित दयापाल कुमावत ने बताया कि उसकी सूरजगढ़ कस्बे में हार्डवेयर की दुकान है। शुक्रवार दोपहर 12 बजे के आसपास दो युवक दुकान में सामान खरीदने आए थे। 20 रुपए का सामान खरीदा था, पैसे चेंज करके दिए। इतने में एक युवक ने नोट फटा होने की बात कहकर नोट को बदलने को कहा। गल्ले में पैसे निकालकर जैसे ही दूसरा नोट देने के लिए निकाला तो उनमें एक युवक ने झपट्टा मारकर 10,000 रुपये छीनकर भागने की कोशिश की। लेकिन मैंने बदमाशों का हाथ नहीं छोड़ा, बदमाशों ने मुझे काउंटर के ऊपर से घसीट लिया। कम से कम 10 मीटर बदमाश घसीटते रहे, लेकिन बदमाशों का हाथ नहीं छोड़ा। उसके बाद शोर शराबा किया तो अन्य दुकानदार आ गए, सभी मिलकर दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए दोनों युवक टोंक जिले के बताए जा रहे हैं। सूरजगढ़ थाना अधिकारी सुखदेव सिंह ने बताया कि दोनों युवक को हिरासत में ले रखा है, दोनों से पूछताछ की जा रही है। इन दिनों क्षेत्रों में खूब चोरियां हुई हैं, दोनों से बड़ी वारदात खुलने की संभावना है।